क्या डिमांड्स हैं आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, क्या डिमांड्स हैं और क्या कहना चाहेंगे? भैया हमारी डिमांड्स हैं, जो कि पिछले 10 सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारी नहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मेल मल्टीपर्पज़ की एक भी पोस्ट नहीं निकली है, जो कि सेंटर के जो रूल हैं वो ये हैं कि फैमिली प्लानिंग या सब सेंटर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एक मेल लगेगा एक फीमेल लगेगा, लेकिन हमारी जेएनके गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ फीमेल की भर्ती की हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये रेशो बराबर की जाए। ये जो हमारी जेएनके गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने बोला था कि हम रैपरे सेहत के तहत आपको भर्ती करेंगे, लेकिन आज तक 3.5 साल हो गए, आज तक इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं निकाली है, और पिछले लगातार 10 सालों से हमारी एक भी पोस्ट नहीं है, जो कि हमारे एंगेज फीमेल मल्टीपर्पज़ की 3500 पोस्ट अभी 3500 जो हैं वो जॉब कर रही हैं, लेकिन उनके बदले में सिर्फ और सिर्फ 340 मेल मल्टीपर्पज़ जॉब कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ से, क्या आपने किसी मंत्री से बात करने की कोशिश? भैया हम बाली भगत के पास गए, आशा निकास के पास गए, इन लोगों को ये नहीं पता ये डिप्लोमा कौन सा है। आशा निकास कहती कि ये आप कहाँ पता नहीं कहाँ से करके आ जाते हो, मैं आप पता नहीं प्राइवेट कॉलेजों से करके आ जाते हो, तो हमें कोई पता नहीं, आप जाओ जो भी करना करो। लेकिन हमने कहा कि मैम आप ही अगर किसी प्राइवेट कॉल को रिकॉग्नाइज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ पैसे खाना जानती है, हमें हमारा हक नहीं देना जानती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती। और हम मैं दोबारा ये स्टेट गवर्नमेंट को ये वार्निंग देता हूँ, विद इन डेज असेंबली में हमारी बात उठाई जाए, अन्यथा हमारा हम सड़कों पे होंगे और इस गवर्नमेंट का बुरा हाल करेंगे। इससे पहले भी एनएचएम वाले काफी देर प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, उनका